अब फ्रेंड्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज वो फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स ये देखते हैं, पहली प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। यानी हमारे पास कोई तीन मैट्रिक्स है ए बी एंड सी और उनका मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई डिफाइन है। आर थ्री मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन, देखें तो हम इसको डिफाइन करने के लिए क्या कर रहे हैं, अगर ये ए मैट्रिक्स जो है एम क्रॉस एन का है तो बी जो है वो एन क्रॉस पी का, यानी एन से स्टार्ट होगा। इस तरह से सी को डिफाइन होगा तो ये पी पे ख़त्म हो रहा है, यानी कॉलम पी है इसका, तो इधर रो पी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आर थ्री मैट्रिक्स एम क्रॉस एन, एन क्रॉस पी एंड पी क्रॉस क्यू रेस्पेक्टली। देन ए क्रॉस बी अगर करें उसके बाद हम सी का मल्टीप्लाई करें, इक्वल टू होगा ए और बी क्रॉस सी से, यानी पहले बी और सी का मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद ए का हम लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी, तो उस कंडीशन में फिर हमारे पास पहले मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए, यानी बी प्लस सी कब फॉलो होगा, जब बी और सी जो होंगे हमारे पास सेम ऑर्डर के होंगे, तो बी और सी जो होगा सेम ऑर्डर का होगा, तो बी और सी सेम ऑर्डर का होगा, उस कंडीशन में हमारे पास एडिशन डिफाइन होगा सबसे पहले, उसके बाद हम उस मैट्रिक्स में किसी दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए मैट्रिक्स का, तो उसको डिफाइन होने के लिए ए डिफाइन होगा, तो ए बी प्लस ए सी। फिर इसमें सबसे नेसेसरी कंडीशन जो है वो हमें ध्यान रखना है कि अगर डिफाइन हो तो ही ये फॉलो करेंगे, अगर डिफाइन नहीं हो, अगर बी प्लस सी सपोज डिफाइन ही नहीं हो, मैट्रिक्स का एडिशन ही डिफाइन नहीं हो, उनका ऑर्डर ही सेम नहीं हो, तो उस कंडीशन में इस कंडीशन भी फॉलो नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन में ये हमें याद रखना है कि ये बी प्लस सी जो शो कर रहे हैं, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन डिफाइन है, तो उसके बाद हम ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ही हमारे पास, यानी ए का मल्टीप्लीकेशन भी डिफाइन है, तो ए बी प्लस ए सी हम लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरी कम्यूटिव, जो हमने पहले इसमें शो कर चुके हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। फ्रेंड्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इसलिए क्योंकि अगर कई बार हम देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स में, या हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि ए बी तो डिफाइन है बट बी ए डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मोस्ट केसेस में यही होता है।